फिनरा बैंक में आप 5 मिनट के अंदर आप अपने सेविंग अकाउंट को खोल सकते हैं। विथ वीडियो केवाईसी के साथ आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत आपको इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड को, जिससे आप तत्काल में गूगल पे, फ़ोनपे चला पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्रोम में ओपन कर लेना है फिनरा बैंक, और उसके बाद से आपको इस पेज पे आ जाना है। पेज पे आने के बाद आपको 3 डॉट पे यहाँ पे दिख पा रहा है कोने पे, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन अकाउंट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ओपन अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ही पहला वाला दिख जाएगा आपको ओपन सेविंग अकाउंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सेविंग अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे आप, और नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो यहाँ पे शो होगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको ओपन अकाउंट नाउ का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होते ही आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप्स के अकाउंट। सबसे पहले आपको हम लोगों को SB+ अकाउंट को ओपन करना है, तो SB+ पे आपको क्लिक कर देना है। SB+ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए आप बोल रहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड और वाइट पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा आप लोग, और यहाँ पे अपना रजिस्टर फ़ोन नंबर को यहाँ पे जो आधार कार्ड में रजिस्टर होगा उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, आपके फ़ोन नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे भर देना है। OTP भरने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको फिर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जिसमें आधार नंबर आपको पहले फिल कर देना है और दूसरे नंबर पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड पे OTP सेंड किया जाएगा, OTP भरने के बाद आपको फिर सबमिट पे कैप्चा भर के सबमिट पे क्लिक कर देना है, और सबमिट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको ओपन होके आ जाएगा, और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स भरना होगा। नॉमिनी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स भरने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू क्लिक कर देना है। और प्लीज़ मेरे चैनल पर ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर आपको कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को आपको भरना पड़ेगा, यानी आप क्या काम करते हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे सारा एम्प्लॉय डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका इनकम क्या है, इनकम को यहाँ भर लेना है, और भरने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछ रहा है तो एक्सपीरियंस दे देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम एंटर कर लेना है, नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन आपका एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। ब्रांच आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपके शहर में नज़दीक होगा आपके शहर से। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको वीडियो KYC के लिए रेडी हो जाना है, जिसमें आपको एक वाइट पेपर और पेन और पैन कार्ड आधार कार्ड लेके बैठना है, और यहाँ पे टाइमिंग चलने लगा है, और यहाँ पे देख पा रहे मेरा वीडियो KYC ओपन हो गया है। वीडियो KYC इस प्रकार से आपका कनेक्ट हो जाएगा। वीडियो KYC में जो आपसे एजेंट पूछेगा उसको आपको सारी डिटेल्स दे देना है, उसके बाद से आपके जो ईमेल आईडी और रजिस्टर फ़ोन नंबर आपने दिया था उस पे आपके अकाउंट के सारे डिटेल्स सेंड कर पाएंगे, और वर्चुअल डेबिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।